ने प्रेतात्मा के अतीत के बारे में भी पता लगा लिया। ऋषि ने उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का ज्ञान दिया। राजा महिध्वज के अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप ऋषि ने उनकी सहायता करने हेतु विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत रखा। अपनी दया भाव के चलते उन्होंने इस व्रत का फल प्रेतात्मा को दान कर दिया। इस फल को प्राप्त करने के बाद राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और उन्होंने धौम्य ऋषि के प्रति आभार व्यक्त किया। अतः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे स्वर्ग लोक चले गए।